हाय गाइस, तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे दुबई के अलावा एक और नई कंट्री के बारे में, जिसके बारे में आप में से शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो इस कंट्री का नाम है आर्मेनिया और ये यूरोप और एशिया के सेंटर में लोकेटेड है। आर्मेनिया एक बहुत ही छोटी सी बट बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है और इसका वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, बिकॉज ये दुनिया की पहली ऐसी कंट्री है जिसने क्रिश्चियनिटी को एज एन ऑफिशियल रिलीजन एक्सेप्ट किया था। और हमने अपना आर्मेनिया का ट्रिप प्लान किया है अक्टूबर में, जो कि बेस्ट टाइम होता है किसी भी कंट्री को ट्रैवल करने का, बिकॉज मोस्टली हर जगह पर इस टाइम पर स्प्रिंग या ऑटम होता है, तो बहुत ही प्लेजेंट वेदर होता है। और ये ट्रिप हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज ये ट्रिप हमने मेरे बर्थडे के लिए प्लान किया है, जो कि 12th अक्टूबर को होता है। और आर्मेनिया के लिए आपको ई वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आप ऑनलाइन खुद से अप्लाई कर सकते हैं, एंड विद इन 2-3 डेज यू गेट दैट वीज़ा। और फ्लाइट्स भी बहुत अफोर्डेबल होती हैं, आप अबू धाबी से विज़ एयर की फ़्लाइट बुक कर सकते हैं आर्मेनिया के लिए, जो कि आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाएंगी। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में टॉप प्लेसेस टू विजिट इन आर्मेनिया। अब आ गए हैं ताशकदार। तो ताशकदार जो है वो एक टाउन है आर्मेनिया में, जहाँ पर विंटर्स में लोग स्कीइंग के लिए आते हैं, बिकॉज यहाँ से आप केबल कार लेके ऊपर जा सकते हैं, जहाँ से आपको पूरी सिटी का व्यू मिलता है, बहुत ही ब्यूटीफुल। और ये नॉर्मल केबल कार से बहुत डिफरेंट है, बिकॉज नॉर्मली वो क्लोज केबिन होता है, मगर ये ऐसे ओपन में, और इतनी हाइट पर आप ऐसे फ्रीली बैठे हुए ओपन में झूलते हुए, स्पेशली विद अ बेबी, तो मुझे बहुत डर लग रहा है। और क्योंकि हम यहाँ पर अक्टूबर में आए हैं, तो इस टाइम पर यहाँ पर हमें बहुत ही ब्यूटीफुल ऑटम के फॉल के कलर्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो नेक्स्ट जगह है केचरिस मॉनेस्ट्री, जो कि 12th एंड 13th सेंचुरी में एक मेजर रिलीजियस सेंटर था एंड अ प्लेस फॉर हायर एजुकेशन। और ये कैपिटल सिटी यरवान से 60 किलोमीटर दूर है और लोकेटेड है काशकदार स्की रिजॉर्ट टाउन में। तो अगर आप ताशकदार आते हैं तो ये मोनेस्ट्री भी ज़रूर विजिट करें। और नेक्स्ट बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट है लेक सवान, जिसमें काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं, बट जो टॉप व्यू है दैट इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग। बट यहाँ पहुँचने के लिए आपको काफ़ी सारी सीढ़ियाँ लेकर ऊपर आना पड़ेगा। और यहाँ पर ये एक मोनेस्ट्री भी लोकेटेड है, इसका कंस्ट्रक्शन 9th सेंचुरी में कम्प्लीट हुआ था और ये बिल्ट हुई है लेक सेवान के नॉर्थ वेस्टर्न शोर पे। और ये आर्मेनिया की वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से है, तो अगर आप आर्मेनिया जाते हैं तो ये जगह आपकी लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए। और नेक्स्ट है लेक व्यू रेस्टोरेंट, बट ये कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि जो हमारे साथ जो लोकल गाइड थे उन्होंने हमें सजेस्ट किया लंच के लिए ये जगह, एंड वी हाईली रिकमेंड दिस प्लेस, बिकॉज यहाँ से आपको बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलेगा। और लिस्ट में नेक्स्ट है हगाटसिन मोनेस्ट्री, जो कि बहुत ही बड़ी और बहुत ही पुरानी मोनेस्ट्री है और ये डिलीजान टाउन के पास लोकेटेड है एंड इट वॉज बिल्ट बिटवीन 10th टू 13th सेंचुरी। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर जाने के लिए आपको बिल्कुल भी वॉक नहीं करना पड़ेगा, गाड़ी से उतरते ही 2 कदम पर आपको ये जगह मिल जाएगी। और गाइज, अब हम आ गए हैं ओल्ड डिलीजान टाउन, जिसको हम अब एक्सप्लोर करने वाले हैं, बिकॉज इसकी हमने बहुत सारी फोटोज देखी थी और इसी के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी एंड आई सो वॉन्टेड टू स्टे देयर फॉर लाइक 1 or 2 days, बट हमारे पास टाइम कम था, वरना मुझे ऐसे छोटे छोटे जो हिल स्टेशन वाले स्मॉल टाउन्स होते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। यहाँ पर इतने ब्यूटीफुल कैफे, छोटी छोटी शॉप्स, बहुत ही अमेजिंग जगह थी। और नेक्स्ट जगह है आर्क ऑफ शैरेंस, जो कि आर्मेनिया के फेमस पोएट शैरेंस की याद में बनवाया गया था और यहाँ से आप माउंट आरारात का पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट इज गगार्ड मोनेस्ट्री, जो कि सबसे ज़्यादा पुरानी और सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग लगी हमें, बिकॉज ये 4th सेंचुरी में पाई गई थी इनसाइड अ केव, इसलिए इसको मोनेस्ट्री ऑफ द केव भी बोला जाता था।
और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। एंड नेक्स्ट इज गर्नी टेम्पल, जो कि इकलौती ग्रीको रोमन बिल्डिंग है आर्मेनिया में, और ये आर्मेनिया का प्री क्रिश्चियनिटी एरा का बेस्ट नोन स्ट्रक्चर एंड सिंबल में से आता है। अगला है सिम्फनी ऑफ स्टोन्स, जो कि गर्नी विलेज में लोकेटेड है, विच इज़ अराउंड 30 किलोमीटर्स फ्रॉम यरवान सिटी, और ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है, इसलिए इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ पर हॉर्स राइड का भी ऑप्शन है और एक ट्रेन भी चलती है, टॉय ट्रेन, आप वो भी ले सकते हैं या फिर आप वॉक भी कर सकते हैं। और ये नेचुरली बिल्ट रॉक फॉर्मेशन वाला स्ट्रक्चर है, विच लुक्स अनबिलीवेबल। और ये आर्मेनिया के एक बहुत ही फेमस रिवर है जिसका नाम है आज़ाद रिवर, और यहाँ से आर्मेनिया के लोगों के लिए पीने का पानी आता है। और जब हम लोग वहाँ गए थे तो वहाँ पे काफ़ी बूढ़े लोग कैंपिंग और फिशिंग कर रहे थे एंड दे वर वेरी फ्रेंडली। एंड दिस इज़ खोर विराप मोनेस्ट्री एंड वी वर वेरी एक्साइटेड टू सी दिस बिकॉज ये बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर है और यहाँ से सामने स्नो पीक्ड माउंटेन्स नज़र आती हैं। और गाइज अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम बता दें कि हम दुबई, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया जैसी कंट्रीज़ के लिए ट्रैवल पैकेजेस प्रोवाइड कराते हैं, वो भी बहुत ही बेस्ट प्राइस पे। तो अगर आपको फ़्लाइट, होटल, वीज़ा, साइट सीइंग जैसी कोई भी रिक्वायरमेंट है या पूरा ऑल इंक्लूसिव कंप्लीट पैकेज चाहिए तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं, और आप हमारे रिव्यूज़ हमारी वेबसाइट पर या इंस्टाग्राम के रिव्यू सेक्शन में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्लू मॉस्क, जो कि आर्मेनिया के कैपिटल सिटी यरवान में ही लोकेटेड है, और ये एक शिया मॉस्क है फ्रॉम 18th century, और ये इस सिटी का बहुत ही सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर है फ्रॉम ईरानियन पीरियड। एंड दिस इज आर्मेनियन नेशनल ओपरा एंड बैले थिएटर, और इसको अंदर से देखने के लिए आप एक पेड टूर भी ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज वर्निसाज, एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेज इन आर्मेनिया और स्पेशली इन यरवान सिटी। दिस इज लाइक एन ओपन मार्केट जहाँ पर सारे लोकल्स अपने हाथ से बनाए हुए हैंडीक्राफ्ट का सामान बेचते हैं, विच वॉज सो इंटरेस्टिंग। और सिटी के बीचों बीच लोकेटेड है हिस्ट्री म्यूजियम ऑफ आर्मेनिया, जो कि रिपब्लिक स्क्वायर पर लोकेटेड है। एंड इफ़ यू आर इन टू हिस्ट्री एंड म्यूजियम तो आप इसका टिकट लेके इसको अंदर से भी देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज कैस्केड कॉम्प्लेक्स, जिसको देखने के लिए आपको बहुत सारी सीढ़ियाँ लेकर ऊपर तक जाना पड़ता है। इसको नीचे से देख के तो मैंने गिव अप कर दिया था, बट सम हाउ आई वॉज एबल टू डू इट एंड वी रियली इन्जॉयड द व्यू फ्रॉम देयर, बिकॉज यहाँ से आपको पूरी यरवान सिटी का व्यू देखने को मिलता है। एंड दिस इज द मोस्ट हैपनिंग एंड मोस्ट लाइवली स्पॉट इन यरवान सिटी। और शाम में इस पूरी सिटी की वाइब ही अलग होती है और आपको यहाँ पर घूमने में शाम में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। नेक्स्ट इज हरिचवंग मॉनेस्ट्री, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, फ्रॉम 7th century, एंड इट वॉज फेमस फॉर इट्स स्कूल एंड स्क्रिप्टोरियम, और ये यरवान सिटी से काफ़ी बाहर है। And this is one of the most amazing places we have seen in Armenia, which is known as Black Fortress, जो कि अंदर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और इन सारी जगहों की डिटेल हम आपको अपनी आने वाली वीडियोज़ में देंगे, बिकॉज इस वीडियो में हम आपको थोड़े बहुत ग्लिम्स और एक ओवरव्यू देना चाहते हैं ओवरऑल आर्मेनिया कंट्री का। एंड दिस इज़ द ओनली म्यूजियम इन आर्मेनिया जिसका टिकट लेके हमने इसको पूरा अंदर से एक्सप्लोर किया। एंड कैपिटल सिटी यरवान के बाद ग्यूमरी सिटी इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन आर्मेनिया, एंड दिस सिटी वॉज सो कूल, ऐसा लगा कि जैसे हम किसी वंडरलैंड में आ गए। सो अगर मुझसे पूछा जाए पर्सनली तो आर्मेनिया में यरवान सिटी के अलावा दो और जो मेरी फेवरेट जगहें थी वो ओल्ड डेलीजान टाउन और ये ग्यूमरी सिटी। इट वॉज गिविंग द वाइब ऑफ दैट प्रिंसेस आइलैंड इन इस्तांबुल, ऐसा लग रहा था हम जैसे किसी मूवी सेट पर आ गए हैं किसी डिज्नी वर्ल्ड के।
आई मीन वहाँ पर इतनी क्यूट एक्टिविटीज एंड क्यूट क्यूट चीज़ें हैं कि यू विल फॉल इन लव विद दिस प्लेस। और आप लोगों को हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आपको दुबई के अलावा नई नई बजट ट्रैवल डेस्टिनेशन और हमारे ट्रैवल पैकेजेस के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, बिकॉज हम इस तरह का बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर करते हैं। तो अगर अभी तक आप हम इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हैं, सो गो चेक आउट आवर प्रोफाइल ऑन इंस्टाग्राम एंड डू फॉलो अस फॉर मोर सच कंटेंट। और गाइस, तो आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो देख के बहुत ही अच्छा लगा होगा और इतनी सारी नई जानकारी के बाद में आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए होंगे। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें अभी का अभी, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कोई और नहीं बनाकर देगा। और हमारी पर्सनल लाइफ से जुड़े रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग कॉन्टेंट डालते रहते हैं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे, अंटिल देन टेक केयर, बाय।